गुड मॉर्निंग एट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड ओके सो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबब हिज हैड उन्होंने देखा कि जो एक जर्मन है वो उनकी तरफ आ रहा है और उसके सर पे क्या है एक बॉटल है इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी उसने कहा कि आज क्या है क्रिसमस डे है टॉमी वी हैव शिनिप्स वी हैव शॉसेज शिनिप्स मीन्स अ ड्रिंक एंड सॉसेज मीन्स सम स्वीट थिंग्स ओके वी विल मीट यू यस उसने बहुत ही हैप्पीनेस से कहा कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं और अब हम दोनों क्या करेंगे मिल जाएंगे बाय दिस टाइम देआर वर डजनस ऑफ दैम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम और अब हम क्या थे दोनों जने कहाँ पे आ गए थे नो मैन लैंड में आ गए थे मैंने आपको बताया था कि नो मैन लैंड क्या है जो दोनों आर्मीज के बीच में थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं होती है ठीक है तो अब ये जो दोनों आर्मीज थी वो कहाँ पे आ गए थे नो मैन लैंड की तरफ आ गए थे और किसी के पास भी राइफल नहीं थी लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट कम जो मॉरिस था सबसे छोटा पहले आया कम ऑन बॉयज आ जाओ वट आर वी वेटिंग फॉर हम किसका वेट कर रहे हैं लेट्स इंजॉय लेट्स सेलिब्रेट द क्रिसमस एंड दैन दियर वॉज नो स्टॉपिंग दैम और वहाँ पर हमको रोकने वाला कोई भी नहीं था आई वॉज द ऑफिसर जबकि मैं वहाँ ऑफिसर था एंड दैन दियर वॉज नो स्टॉपिंग दैम और कोई भी मैं किसी को भी नहीं रोक पाया आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इज़ नेवर एवर अकर्ड टू द आई शुड वो कह रहा है कि आई एम ऑफिसर बट मैं, मैं सबको रोक सकता था पर मैं उस दिन सच बात तो यह है कि मैं किसी को रोकना नहीं जाता था ऑल अलोंग देयर लाइन्स एंड आर आई कुड सी देन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीड इन द मीटिंग इन द मिडल अब क्या है एक आर्मी की ड्रेस खाकी ड्रेस है और एक ही ग्रे ड्रेस है तो हमने देखा कि दोनों जो ड्रेसेस के लोग हैं वो आपस में कहाँ पर मिले हैं नो मैन लैंड की ओर एंड आई वॉज वन ऑफ देम और मैं उनमें से एक था आई वॉज पार्ट ऑफ़ दिस मैं इस सारी चीज़ों को देख रहा था क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ इट मैं क्या था उसका एक पार्ट था इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस इस पूरे वॉर के टाइम पर एक टाइम ऐसा आया कि दोनों आर्मीज के बीच में बहुत ही शांति थी क्योंकि किसका टाइम चल रहा था क्रिसमस का टाइम था एंड ही ऑफर टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद ईच अदर और उन्होंने हमें क्या किया था ऑफ़र किया था कि थोड़ी देर के लिए वॉर को छोड़ते हैं और क्या सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ओके okay? फिर नाउ नेक्स्ट इज़ यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कौनी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती डियरेस्ट कौनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ फिट्स ऑफिसर ऑफिसर हु अप्रोच्ड द हैंड आउट स्ट्रेंड हैंड्स वोल्फ तुम बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती कोनी मैं उस समय क्या फील कर रहा था जैसे ही फ्रिट्स के ऑफिसर ने मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि हैंड्स वुल्फ उसका नाम क्या था हैंड्स वुल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वॉम्ली एंड होल्ड इट हाथ मिलाते हुए हैंड शेक करते हुए उसने मुझसे ऐसा कहा आई एम फ्रॉम ड्यूसलडो आई प्ले द सेलो इन दर्स्ट्राट हैप्पी क्रिसमस मैं कहाँ से हूँ ड्यूसेल से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा खेलने कहाँ पे आता हूँ बहुत पसंद है मुझे ऑर्केस्ट्रा खेलना और हैप्पी क्रिसमस उसने उससे क्या कहा हैप्पी क्रिसमस नाउ कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाइड ओके जब कोई भी हमसे मिलने आते हैं हमने अपना नाम बताया देन कैप्टन जिम मैकफर्सन हीज ऑल्सो टेल हिज नेम आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू मैंने भी उसे क्या किया हैप्पी क्रिसमस विश किया आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोर सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड उसने कहा कि मैं स्कूल जो मैं क्या था डोर सेट में एक टीचर था आ डोर सेट ही स्माइल उसने कहा अच्छा डोर सेट में आई नो दिस प्लेस मैं इस प्लेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ आई नो इट वेरी वेल मैं तो इसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ जहाँ से तुम रहते हो वी शेयर माई रम रेशन हिज एक्सीलेंट सॉसेस मैंने उससे अपनी रम शेयर करी अपनी ड्रिंक शेयर करी एंड सम एंड वी टॉक कोनी मैं वो ये जो लेटर है वो अपनी वाइफ को लिख रहा है कॉनी को है ना तो उसने कहा कि हमने उस रात बहुत बातें करी हाउ वी टॉक ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश बट इज़ टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूट इन नोट सेट नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड पर जैसी ही बातें बातें होती रही मुझे ऐसा पता लगा कि वो डोर सेट कभी आया ही नहीं है ही हैड लर्न ऑल ही न्यू फ्राम इंग्लैंड फ्राम स्कूल उसने जितना भी इंग्लैंड के बारे में सुना या सीखा है वो कहाँ से सीखा है स्कूल से सीखा है एंड फ्राम रीडिंग बुक्स है न इंग्लिश और इंग्लिश कहाँ से सीखी है बुक्स को पढ़ते पढ़ते सीखी है हीज़ फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्टी उनके जो फेमस राइटर हैं एक राइटर हैं थॉमस हार्डी बहुत अच्छी उन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड और मेरी फेवरेट जो बुक है थॉमस हार्डी की वो है फार फ्रॉम द क्राउड्स सो आउट देयर इज़ नो मैन लैंड वी टॉक्ड ऑफ बतिशपा द ग्रेबियल ओक एंड सर्जन इन ट्रॉय एंड ओट सेट सोज डिफरेंट काइंड ऑफ टॉकिंग वी हैव टॉक विद दिस नाइट ही हैड अ वाइफ एंड अ सन और बातों ही बातों में मुझे पता लगा कि ही हैड अ वाइफ एन अ वन सन जस्ट सिक्स मंथ अगो केवल सिक्स मंथ पहले ही उसका जो है एक सन हुआ है एस आई लुक्ड अबाउट मी देयर वॉज हर्डल ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवियर मैं उस रात मैंने देखा कि हर तरफ क्या था हर्डल मी झुंड था खाकी एंड ग्रे एवेवियर क्योंकि ड्रेसेस मैंने आपको बताया था ड्रेसेस हैं दोनों की ऑल ओवर नो मैन लैंड स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग एंड ईटिंग सो इन दिस दैट नाइट वी आर लाफिंग टॉकिंग एंड ड्रिंकिंग सो मच एंड वी आर फॉरगेट अबाउट द वॉल हेन्सफुल्फ एंड आई शेयर वट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक मैंने उन्हें बताया कि तुम कितना सुंदर केक बनाती हो कोनी ही थॉट द मारजीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्ट उसने कहा उसने मुझे मारजीपेन टेस्ट कराया मारजीपन मीन्स इट अ काइंड ऑफ केक एंड वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था आई एग्री वी एग्री अबाउट एवरी थिंग एंड ही वॉज माई अनी मी देर वॉज दियर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट जैसी क्रिसमस पार्टी उस दिन हुई वैसी कभी भी नहीं हुई थी देन सम वन आई डोंट नो हू फिर किसी ने कहा मैं नहीं जानता वो किसने कहा ब्रॉट आउट ऑफ फुटबॉल अचानक से क्या ले आया वो फुटबॉल ले आया ग्रेट कोर्ट्स व डम्प्ट पाइल्स टू मेक गोल पोर्ट्स जो ग्रेट पोस्ट थे ग्रेट कोर्ट वाले थे वो क्या कर रहे थे गोल पर जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना वो और कहाँ डालनी पड़ती है बॉल एक गोल पे डालनी पड़ती है तो ये सारी प्रैक्टिस वो लोग करने लगे अचानक से एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फिड्स आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैन लाइट और सडनली किसी ने डिसाइड किया क्यों ना एक साइड क्या हो जाए फ्रिड्स लोग हो जाए और एक साइड ब्रिटिशर्स हो जाए और दोनों में फुटबॉल मैच हो हैंड्स फोल्फ एंड आई लुकड ऑन द चेयर क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टेपिंग अवर फीट्स हम दोनों बहुत खुश थे to keep out the cold as much as anything there was a moment when i noticed our breath mingling in the air between us he saw it too and smiled jim macpherson he said after a while i think this is how we should resolve this war or some इतने में ही उस ऑफिसर ने कहा कि क्यों ना फुटबॉल मैच खेलते खेलते ही हम क्या करें ये जो वॉर चल रही है इसको ही पूरा खत्म कर दें अब फुटबॉल मैच नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई भी मरेगा नहीं नो चिल्ड्रन आर ऑफ फ्रेंड कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होंगे नो वाइफ्स बिकम विडोज कोई भी जो वाइफ है उनके हस्बैंड की डेथ नहीं होगी आई डी प्रेफर क्रिकेट पर मैंने कहा कि फुटबॉल नहीं हम क्या करते हैं क्रिकेट मैच खेलते हैं देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ एविंग क्योंकि हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं वी लाफ एट देट और हम इसमें बहुत हंसे एंड टुगेदर वी वॉच द गेम और फिर साथ में क्या करने लगे गेम को खेल देखने लगे सेट टू से कौनी मैं ये मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कौनी कि फ्रिड्स बॉर्न कि वो क्या थे फ्रिड्स जो थे वो जीत गए क्योंकि एक ब्रिटिशर्स लिख रहा है लेटर तो उस साल को उस समय कौन जीता फ्रिड्स जीते टू गोल्स टू वन हमारे टू गोल्स हमारा वन गोल था और उनका टू गोल बट एज़ हैंस वोल्फ जनरली सेड पर उनके ऑफिसर हैंस वोल्फ ने बहुत ही प्यार से कहा कि अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स कि हमारा जो गोल बना हुआ है ठीक है जहाँ पे फुटबॉल डाली जाती है आपने टी वीज़ में देखा होगा है ना तो वो क्या था उसने कहा कि जो हमारा गोल बना हुआ था वो थोड़ा चौड़ा था इसलिए हमने ईजीली जो हम बॉल को वहाँ पर डाल पाए सो इट्स वॉज इन क्वाइट फेयर तो ये सही नहीं है ये क्या है पार्शलिटी हो गई चीटिंग हो गई द टाइम कम एंड ऑल टू सून वेन द गेम वॉज फिनिश्ड द शनिप्स एंड रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट जितने भी हमारे पास खाने पीने की चीज़ें थी वो सारी ख़त्म हो गई एंड वी नो इट वॉज ऑल ओवर सब कुछ खत्म हो गया आई विश हैं वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली सून तो मैंने जो फिर्स था उससे कहा कि बहुत जल्द तुम क्या करोगे अपनी फैमिली के पास जा सकोगे दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम उसने हम दोनों ने प्रे करी कि भगवान करी ये जो फाइटिंग चल रही है हम दोनों के बीच में वॉर वाली ये क्या हो जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम सब अपने घर आराम से चले जाए आई थिंक आई थिंक दैट इज वट एवरी सोल्जर वॉन्ट और ये वो चीज़ थी जो हर एक सोल्जर जो है सिपाही चाहता है कि बहुत जल्द वॉर ख़त्म हो जाए और हम सब अपने घर चले जाएं। ऑन बोथ साइड हैंड्सफुल सैड टेक केयर जिम मैक पर्सन उसने कहा कि अपना ध्यान रखना आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू मैं ये मोमेंट जो था सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस मैं ये कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें भी कहीं भी नहीं भूलूंगा ही सल्यूट एंड वॉकड अवे फ्रॉम द स्लोली अनविलिंगली और ना जाते हुए भी, भी उसने उसे सल्यूट किया और वो चले गए आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोर्ट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स दियर ट्रेंच और इतना कहते ही वो सारे लोग जो थे अपने अपने ट्रेंच में चले गए दैट नाइट बैक इन अवर ड्राउट्स वी हियर देम सिंगिंग अ कैरोल कैरोल मीन्स अ सॉन्ग ओके okay, जो ग्रुप में गाया जाता है उसे कहते हैं कैरोल कह तो उस रात उनके ट्रेंचेस से किसकी आवाज़ आ रही थी गाने की आवाज़ आ रही थी एंड सिंगेड इट क्वाइट ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर गा रहे थे इट वॉज स्टेली इन नार्स साइलेंट नाइट ये उसके वर्ड्स हैं सॉन्ग के अवर बॉयज गिव अ राउजिंग आर्ट्स ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉस्ट वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अवाइल और जैसे ही हम वहाँ से आवाज़ सुन रहे थे वैसे ही हम भी गा रहे थे वी हैड अवर टाइम और पीस एंड गुड विल वो रात जो थी वो बहुत ही पीस थी वो बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छी शाम थी या रात थी अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई वो और ये एक बहुत ही कीमती जो मोमेंट था वो मेरे साथ हमेशा रहेगा जब तक कि मैं ज़िंदा रहूँगा डेयर कोनी बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर डियर कोनी, नेक्स्ट टाइम जब क्रिसमस आएगा दिस वॉर विल बी नथिंग ये जो वॉर है वो नहीं होगी बट अ डिस्टेंस एंड टेरेबल मेमोरी पर एक बहुत ही दर्दनाक मेमोरी हम सब के पास होगी आई नो फ्राम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मी इज लॉन्ग फॉर पीस हम जानते हैं कि दोनों आर्मी क्या जाती हैं शांति जाती है वी शैल बी टुगेदर अगेन सून आई एम श्योर ऑफ इट मैं कोशिश करूंगा कि हम दोनों क्या हों जल्द ही साथ हो यूर लविंग जिम जिम ने लिखी थी जिम मैकफर्सन मैक ने अपनी वाइफ कौनी को ठीक है इसका लास्ट पैराग्राफ बन जा बढ़ जाता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक आप इतना पढ़िए और कोई भी कन्फ्यूज़न होता है उसे नोट करके रखिए क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे